अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल मिस्टर मैथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन तक। क्वेश्चन कहता है कि इफ़ 15 मैन कैन मैन्युफैक्चर 27 बास्किट्स इन एन आवर, हाउ मैनी बास्किट्स वुड 45 मैन कैन मैन्युफैक्चर इन 40 मिनट्स। तो क्वेश्चन में बताया गया है कि 15 आदमी यानी कि 15 मैन एक आवर में 27 बास्केट्स को बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, तो 45 मैन 40 मिनट्स में कितने बास्केट्स को मैन्युफैक्चर करेंगे। तो इसमें तीन फील्ड है, एक मैन है, दूसरी बास्केट है और तीसरी आवर है। तो जब हमारे पास तीन फील्ड वाला क्वेश्चन होता है तो वो कंपाउंड प्रोपोर्शन को होते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, हमारे पास तीन है, एक है बास्केट जिसको मैं बी से डिनोट कर देता हूँ, पूरा लिख लेता हूँ बास्केट, और दूसरा हमारे पास है मैन, और तीसरा हमारे पास है टाइम। ठीक हो गया, ये तीन फील्ड्स हैं। तो ये तीन फील्ड वाला कंपाउंड प्रोपोर्शन होता है। तो यहाँ पे हमें पहले स्टेटमेंट बताएं कि 27 बास्केट, 15 मैन और एक आवर यानी कि एक घंटा लग रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 27 बास्केट, 15 मैन और 1 आवर। ठीक हो गया, ये हमारे पास क्या है, आवर है। तो यहाँ पे फिर आगे चलते हैं, आगे आगे कहता है कि हाउ मैनी बास्केट वुड 45 मैन, 45 मैन 40 मिनट्स, तो कितने बास्केट बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, बास्केट हमने मालूम करना है, तो एक्स यहाँ पे 45 मैन, तो ये हमारे पास आवर है, तो ये हमारे पास 40 मिनट्स हैं। ठीक हो गया, तो अब हमने क्या करना है, पहले हमने यूनिट को सेम करना है। अब यहाँ पे देखें, अब हम आवर्स को 40 मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे। आप सबको पता है कि एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, तो यहाँ पे मैं 60 मिनट लिख दूंगा। ठीक हो गया, अब यहाँ पे ये देखें यानी कि एक आवर 60 मिनट के बराबर था, यहाँ पे 60, ये 60 मिनट्स हैं, ये भी 40 मिनट्स हैं, अब ये यूनिट सेम है। तो चलें अब इसको कंपेयर करते हैं, जिस फील्ड को हमने मालूम करना है ना, बाकी दोनों फील्ड उसी से कंपेयर करेंगे, यानी कि ये वाली फील्ड भी इसी से कंपेयर करेंगे और ये वाली भी। तो चलें इस क्वेश्चन स्टार्ट, पहले हम ये वाली फील्ड कंपेयर करते हैं इससे। तो यहाँ पे देखें, वो कहते हैं कि 15 आदमी जो है वो 27 बास्केट्स बनाते हैं। ये क्या है, ये हमारे पास रेट ऑफ प्रोडक्शन का काम है, यानी कि जितने ज़्यादा काम करने वाले होंगे उतने ज़्यादा बास्केट्स हम बना पाएंगे, और जितना ज़्यादा टाइम होगा उतने ज़्यादा बास्केट बनेंगे। तो यहाँ पे देखें, 15 आदमी है तो 27 बास्केट बनाते हैं, तो हमारे पास 45 मैन है, तो जहरी सी बात है काम करने वाले ज़्यादा हैं तो ज़्यादा बास्केट मैन्युफैक्चर होंगी। तो ये दोनों आपस में बढ़ रहे हैं, ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, तो ये दोनों क्या है, इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो डायरेक्ट में क्या होता है, या तो दोनों तीर के निशान ऊपर होते हैं या तो दोनों तीर के निशान नीचे होते हैं, आपकी मर्ज़ी, या ऊपर रखें या नीचे, मैं ऊपर रख रहा हूँ। ये हो गया, अब इस फील्ड को कंपेयर करते हैं। अब देखें, 60 मिनट में वो 27 बास्केट मैन्युफैक्चर करते हैं, अब हमारे पास टाइम कम हो गया, 40 मिनट हो गए हैं, तो अब हम जहरी सी बात है जब हमारे पास टाइम कम होगा तो हम कम बास्केट्स मैन्युफैक्चर कर पाएंगे। तो ये दोनों भी देखें, टाइम भी कम हो रहा है, बास्केट्स भी कम हो रहे हैं, तो ये दोनों भी आपस में डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो डायरेक्ट में क्या होता है, या तो दोनों तीर ऊपर होते हैं या तो दोनों तीर नीचे होते हैं। अब इस फील्ड को देखें, यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास एक तीर ऊपर है, तो यहाँ पर भी हमें ऊपर ही करना पड़ेगा, तभी ये डायरेक्ट होगा। ठीक हो गया, अब चलते हैं इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा टेल वाली साइड ऊपर, हेड वाली नीचे, इजिकल टू टेल वाली साइड ऊपर, हेड वाली नीचे, मल्टीप्लाई कर दो टेल वाली साइड ऊपर, हेड वाली नीचे, हमारे पास कितना है 60। तो यहाँ पे 27 डिवाइड हो रहा है, इजिकल टू उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 45 डिवाइड 15, 40 डिवाइड 60, और मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 27। अब हम इसको करते हैं सॉल्व, तो ये हमारे पास कैसे होगा, यहाँ पे हम तीन को डिवाइड, तीन पर डिवाइड करते हैं, 3 2 6 और ये 0 वैसे, फिर ये 3 9 27 हो जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम इसको डिवाइड करते हैं 2 पर, ये आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 3 2 6 0 आ गया, ये हमारे पास आ जाएगा 2 1 2, ये 0, फिर ये हमारे पास आ जाएगा 2 2 4 और ये 0। ये अब हमारे पास क्या आएगा, ये 1 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 रह गया। अब फिर हम इसको तीन पट्टी पर करें, 3 5 15, 3 3 9, तो फिर हम क्या करेंगे, 5 1 5, 5 9,
45, तो यहाँ पे अब हमारे पास 9 ऊपर रह गया, 2 रह गया और 3 रह गया, नीचे सिर्फ 1 रह गया। तो ये कितना होगा, 3 2 6, 6 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 54, तो 54 यानी कि 54 हमारा राइट आंसर है। कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन है। ये मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है, अगर आपको कोई भी इश्यू पेश हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।